बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में पढ़ा था और उसकी डेरिवेशन सीखी थी। इस लेक्चर में हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक फंक्शन लेट करेंगे, लेट y is equal to f of x, be a function which takes the values y naught, y one, y two, up to so on yn for the n plus 1 values of x naught, x 1, x 2, up to so on xn of independent variable. These values are dependent and these values are independent. राइट क्लास, ये हमारे पास फंक्शन है जिसकी वैल्यूज़ एन प्लस वन टर्म्स हमारे पास डिपेंडेंट टर्म आती हैं ये वाली, और इस इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ जो को जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये डिपेंडेंट वैल्यूज़ आती हैं। सबसे पहले हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर लेट किया। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इन तमाम वैल्यूज़ में डिफ्रेंस कितना है। हमारे पास एक्स आई जो है इन तमाम नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, और एक वैल्यू का यूज़ करते हुए बाकी वैल्यूज़ को किस डेफिनेशन से हम हासिल करेंगे, वो फार्मूला है एक्स नॉट प्लस आई एच। राइट, यानी यहाँ पर एक्स टू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर टू पुट करना होगा, और एच इनका डिफरेंस है। हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर है जो कि हमें इसके लिए डिफरेंस गिवन होगा। फर्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एच है और ये हमें गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं तो हम इस फार्मूला से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, वन, टू, अप टू सो ऑन एन। और बैकवर्ड डिफरेंस क्योंकि बैकवर्ड आना है, पीछे की तरफ आना है, इसलिए हमें इस मेथड में जो हम फार्मूला पढ़ेंगे वो हम एट द एंड पढ़ेंगे, यानी एंड से पीछे की तरफ जो फार्मूला आ रहा होगा उस, और या फिर एंड से प्रीवियस टर्म कुछ फाइंड आउट करनी होगी तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉरवर्ड टर्म या फॉरवर्ड फार्मूला हम जब तब यूज़ करते हैं जब हमें इनिशियल टर्म्स में से कोई टर्म मिस हो और हमें वो टर्म फाइंड करनी हो, और बैकवर्ड टर्म हम तब फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर जब हमें यहाँ पर बैकवर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तभी हम बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे और बैक से पीछे की तरफ आते हुए उस टर्म की तरफ आएंगे जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसी को हम यहाँ पे इन टर्म्स लिखेंगे। सपोज इट इज़ रिक्वायर्ड to evaluate y of x near the end, यानी last पर, at the end, end वाली terms के नज़दीक, near the end of the table of values, यानी कि table के एंड वाली वैल्यूज़ के नियर अबाउट अगर कुछ टर्म्स हमें फाइंड करना होंगी तो हम बैकवर्ड डिफरेंस का यूज़ करेंगे। देन वी अज्यूम दैट, अब इसी वाई ऑफ एक्स फंक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखेंगे और एन टर्म्स तक के तक हम अपनी इस पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करेंगे। सो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू a naught x minus
एक्स एन, क्योंकि हमें बैकवर्ड की तरफ जाना है इसलिए हम यहाँ पर बैकवर्ड रिजल्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पॉलिनोमियल को। एक्स माइनस एक्स एन, एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, ए थ्री, एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन, और ये लास्ट पर हम लिखते हैं nth टर्म। अप टू सो ऑन एक्स माइनस एक्स वन, अब हम पुट करेंगे इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ इस सारी इक्वेशन में जस्ट टू फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ दीज कॉन्स्टेंट नंबर्स। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू एक्स एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू अप टू सो ऑन एक्स नॉट, यानी हम बैक वाली वैल्यूज़ से स्टार्ट करके इनिशियल वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। बैकवर्ड फार्मूला है इसलिए ये तमाम रिजल्ट्स हम बैकवर्ड से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके क्लास, अगर हम अपने फार्मूला में x इज़ इक्वल टू एक्स एन पुट करें तो नोट करें यहाँ एक्स एन पुट करने से ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, यानी यहाँ से आगे तमाम टर्म्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी, जस्ट हमारे पास वैल्यू आएगी नीचे y of x n is equal to a naught, और y of x n को हम लिख सकते हैं y n, सो ये हमारे पास a naught की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट पुट करेंगे x n माइनस वन, तो क्लास नोट करें x n माइनस वन पुट करें तो यहाँ पे पुट करने से ये टर्म आ जाएगी ज़ीरो, ये भी टर्म ज़ीरो, यानी यहाँ से ऑनवर्ड अब तमाम रिजल्ट्स एक्स एन माइनस वन पुट करने से ज़ीरो हो रही हैं, सिर्फ ये टू टर्म्स बचेंगी। सो वैल्यू आ गई एन माइनस वन इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन, एन माइनस वन माइनस एक्स एन। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास ऊपर अवेलेबल है वाई एन, और इसकी वैल्यू भी पुट कर दें, ये बन जाएगा एन माइनस वन, और वाई एन को इस साइड पर लेकर आ जाएं, ये माइनस हो जाएगा, हमें ए वन की वैल्यू चाहिए इसलिए साथ में जो टर्म मल्टीप्लाया है उसे दूसरी तरफ ले आएं तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगी, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लें और नीचे से भी, माइनस माइनस कैंसिल। सो ए वन इज़ इक्वल टू, ये ऊपर क्लास नोट करें, ये हमारे पास जो टर्म्स लिखी हुई हैं, जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये हमारे पास है बैकवर्ड डिफरेंस। सो इसको हम बैकवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंगली क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन, और नीचे टू कंजेक्टिव टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, सो ये इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास एच। अब हम थर्ड वैल्यू पुट करेंगे तो थर्ड वैल्यू हमारे पास है एन माइनस टू। इस फार्मूला में n माइनस टू पुट करेंगे तो यहाँ से ये टर्म और इससे आगे वाली तमाम ज़ीरो हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ ये थ्री टर्म्स बचेंगी, इनकी वैल्यूज़ हम नीचे पुट करेंगे। अब y x n माइनस टू n माइनस टू और a टू n माइनस टू माइनस एक्स एन इंटू
माइनस एक्स एन माइनस वन। ओके क्लास, अब यहाँ पर इसमें टू नंबर्स का गैप है, इसे हम ज़रा सॉल्व करेंगे सेपरेट लेकर। माइनस एक्स एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन और ये साथ में ये खुद, यानी हमने क्या किया, ये टर्म्स प्लस और माइनस करवा दी। अब इनको अरेंज कर लें, एन माइनस वन माइनस में है, सो माइनस एक्स एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू और माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस वन। माइनस कॉमन ले लें और यहाँ से भी माइनस कॉमन। अब फर्स्ट ब्रैकेट भी हमारे पास डिफरेंस दे रही है एच और सेकंड ब्रैकेट भी एच, सो दोनों को प्लस करें तो हमारे पास माइनस टू एच आ जाएगा। सो ये सारा रिज़ल्ट हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इस ब्रैकेट का सलूशन है माइनस टू एच और इसका भी ऑब्वियसली माइनस टू एच ही सलूशन है। इसे नोट करें, यहाँ से हमें माइनस कॉमन लेना है ताकि यहाँ भी हम अपनी यही वाली तरतीब बना लें कि एन माइनस वन यानी ये बड़ा नंबर है इसको पहले लिखें और छोटे नंबर को बाद में। सो इसके लिए भी हम नीचे अरेंज कर लें, एक्स एन माइनस टू माइनस एक्स एन माइनस वन इज़ इक्वल टू माइनस प्लस, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, और ये सलूशन भी आ गया माइनस एच के। अब ये वाली वैल्यूज़ हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में, सो ये इक्वेशन बनी वाई एन माइनस टू इज़ इक्वल टू ए नॉट की जगह पर वैल्यू आ गई वाई एन प्लस ए वन की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन बाय एच मल्टीप्लाई विद माइनस टू एच उसके बाद प्लस ए टू माइनस टू एच माइनस एच। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, वाई वाई से कैंसिल, वाई एन को दूसरी साइड पे ले गई मैं, यहाँ से ये आ गया माइनस टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन प्लस टू एच स्क्वायर ए टू। बैकवर्ड डिफरेंस को इसी साइड पे लेकर आ जाएं, प्लस टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई एन और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इसे ओपन कर रही हूँ मैं यहाँ पर ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें, ये दोनों वैल्यू सॉल्व हुई तो आंसर आ गया पॉजिटिव वाई एन, इसके बाद एन माइनस वन को लिखा और आफ्टर दिस यहाँ पर एन माइनस टू की वैल्यू को लिखा। ये सारा रिज़ल्ट हमारे पास है सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस का, सो हमने इसकी जगह पर सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू लिख दी, टू एच स्क्वेयर उस साइड पे मल्टीप्लाई है, इस साइड पर इसको लेकर आए तो ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा,
सो ये हमारे पास ए टू की वैल्यू है, जिसे हम परफेक्शन में लिखें, परफेक्ट फॉर्म में लिखें, तो ये हमारे पास बनेगा रिज़ल्ट 2 factorial h square। और इसी तरह बाकी रिजल्ट्स बनाएं, ए थ्री इज़ इक्वल टू बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब एन, ओवर 3 factorial h cube। और इसी तरह कंटिन्यू रहें स्टेप्स, तो हमारे पास ए एन इज इक्वल टू है बैकवर्ड डिफरेंस एन ओवर एन फिक्टोरियल एच हैज एन पावर। और अब ये तमाम रिजल्ट्स हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने स्टार्ट पे इक्वेशन लिखी थी वाई ऑफ एक्स की, यहाँ पर ए नॉट की जगह पर ए नॉट की वैल्यू, ए वन की जगह पर ए वन की वैल्यू, और ए टू की जगह पर ए टू की वैल्यू, ए थ्री की जगह पर ए थ्री की वैल्यू, प्लस अप टू सोन, और ये हमारे पास अप टू सोन करके हमने इसको इन्फिनिटी टर्म्स तक लिख लिया। ठीक है, हाँ, लिखना चाहें तो हम इसको अप टू एन टर्म्स तक भी लिख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर एंथ टर्म को अगर इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो ये हमारी फिनिट टर्म यानी एन तक ये परफेक्ट एक सीरीज़ बन जाएगी। अब हम इसको चेंज करते हैं पी नोटेशन में ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। हम लेट करेंगे यहाँ पर ये सोल्यूशन, जैसा कि स्टार्टिंग पे हमने लेट किया था एक्स आई इज़ इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई एच। अब यहाँ पर आई की नोटेशन चेंज करके हम इसको पी लिख रहे हैं, और पी के अकॉर्डिंगली हमारे पास इक्वेशन बनी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच। यानी यहाँ पर जो पी लिखा है हमने उसको एक्स की नोटेशन में लिखा कि एक्स पी इज़ एक्चुअली इक्वल टू एक्स, इसलिए जहाँ भी एक्स पी लिखना होगा हम उसे एक्स की नोटेशन में ही लिखेंगे। अब यहाँ से हम पी की वैल्यू डिटरमाइन करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये, सो ये पी की वैल्यू है एक्स माइनस एक्स एन ओवर एच इज़ इक्वल टू है हमारे पास पी के। सो इस नोटेशन को हम कंबाइन करते जाएंगे और अपनी नोटेशंस पुट करते जाएंगे। क्लास यहाँ पे देखें एच स्केयर है, एक एच इसके नीचे लिखा जाए और एक एच इसके नीचे लिखा जाए तो हमारे पास ये दोनों ही इक्वेशंस बनेंगी। यहाँ एच क्यूब आ रहा है, एक एच इसके नीचे, एक एच इसके नीचे और एक एच इसके नीचे, तो ये भी हमारे पास हमारे इसी इक्वेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। सो हमारी इक्वेशन बनी वाई पी इज़ इक्वल टू वाई एन प्लस, यहाँ पे सिंगल है सो यहाँ पे पी आ जाएगा, साथ में बैकवर्ड रिजल्ट प्लस पी बैकवर्ड रिजल्ट ऑफ एन। और इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं क्या रिजल्ट बनेगा, ओवर में 2 factorial है, ये रिजल्ट बनेगा हमारे पास पी एच, एच यहाँ पर है, ये बनेगा रिजल्ट पी, और यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस एन एक्स एन माइनस वन है, इसमें जो चेंज आएगा वो हमारे पास डिफरेंट है इसलिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करके आपको मैं बताती हूँ कि किस वे में करना है। क्लास देखें एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन है, इसमें हम माइनस और प्लस करवा रहे हैं एन रिज़ल्ट, ये कंडीशन बनी। स्टार्टिंग वाले टू नंबर्स यानी इन दोनों में हमारे पास वैल्यू आ गई डायरेक्टली कि ये हमारे पास इज़ इक्वल टू है पी एच, और ये क्योंकि अब रिज़ल्ट है कंजेक्टिव टर्म्स का यानी दो तरतीब से आने वाले टर्म्स हैं सो इनका डिफरेंस है इज़ इक्वल टू हमारे पास एच। इसमें से एच कॉमन ले लें तो क्या आ गया ये
पी प्लस वन। क्लियर, ये सेकंड ब्रैकेट में वैल्यू आ गई एच पी प्लस वन और यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास पी एच, तो नीचे एच स्क्वायर है, दोनों के एच कैंसिल हो जाएंगे। इसे आप ऐसे भी लिख लें ताकि आपको दोनों तरह के फार्मूलाज का यूज़ करना आता हो। सो क्लास, यहाँ पे हमारे पास केस बना स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल, यहाँ पे बना पी और साथ में पी प्लस वन, ये जो एच हैं हमारे पास ये कैंसिल हो गए हैं, राइट। ये जो यहाँ पर ओवर में एच स्क्वायर है, इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर फिर इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हुए एच नहीं लिखा क्योंकि वो कैंसिल हो गई। अब इसी तरह यहाँ पर देखें, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एच क्यूब है ओवर एच लिखा हुआ, इसका मतलब है सो ये आ गई पी। इसको भी हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करें तो ये भी आ जाएगा हमारे पास पी प्लस वन। यहाँ पर n माइनस टू लिखा हुआ है सो यहाँ पर आएगा p प्लस टू। जो नोटेशन जहाँ पर लिखी हुई है वो नोटेशन p में प्लस होकर आ जाएगी। सो यही वैल्यूज़ हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे, क्यूब n ओवर थ्री फैक्टोरियल p इंटू पी प्लस वन पी प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन। अब इसकी nth टर्म को अगर लिखें तो वो हमारे पास आएगी डेल n ओवर n फैक्टोरियल p प्लस वन पी प्लस टू अप टू सो ऑन p प्लस n माइनस वन और ये ब्रैकेट क्लोज। सो ये हमारे पास हमारा बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, इसे आपने अच्छे से याद रख लेना है। ओके क्लास, अब इसी फार्मूला को हम किसी और वे में भी सॉल्व करेंगे। y ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह पर हम इसकी ये वाली सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस रिजल्ट में भी यूज़ की। x इज इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच, ये हमने यहाँ पर x की जगह पे पुट किया रिजल्ट। अब इसके अकॉर्डिंगली हम इसे अगर शिफ्ट ऑपरेटर में चेंज करें तो ये हमारे पास चेंज होगा e p और साथ में y x n। हम क्योंकि इसको p में चेंज कर रहे हैं इसलिए y ऑफ x को भी y ऑफ p में चेंज किया, ये कैलकुलेशन हमने चेंज की। अब हमें क्योंकि बैकवर्ड में इसको चेंज करना है सो शिफ्ट ऑपरेटर को बैकवर्ड के फार्मूला में देखें तो ये इज़ इक्वल टू है वन माइनस बैकवर्ड हैज़ पावर माइनस वन और ऑलरेडी इसकी पावर है p जो हमने बाहर लिख ली। y ऑफ x n की वैल्यू की जगह पर आ गया y n, सिंप्लीफाई करके लिखा हमने। अब बायनोमियल थ्योरम का यूज़ किया और इसको ओपन किया बैकवर्ड प्लस, ये हम यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट पी पी प्लस वन पी प्लस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल और साथ में डेल क्यूब प्लस अप टू सोन और ये ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर है वाई एन, इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ओवर थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, सो ये हमने प्रूव कर दिया इन्फिनिट सीरीज तक के लिए हमारे पास ये फार्मूला बन गया। और फिनिट सीरीज के लिए हमने इसको ये एंथ तक यहाँ तक अरेंज करके रखा। यहाँ भी आप इसको nth टर्म तक कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी प्रिपेयर करेंगे इसी तरह के कुछ मेथड्स को।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और